स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सप्लेन मेजर बोर्डर प्रोटेक्शन फोर्सेस वेलकम टू स्टडी आई क्यू मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों किसी भी देश के सामने दो तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिया में अलग अलग प्रकार की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं जो हर तरह के सिक्योरिटी थ्रेट से देश की रक्षा करती हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स को ज्यादातर आर्म्ड फोर्सेस द्वारा हैंडल किया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं वहीं इंटरनल थ्रेड्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है आर्म्ड फोर्सेस को मेनली चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में कई अलग अलग तरह के फोर्सेज आते हैं जैसे कि असाम राइफल्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एटसेट्रा आज हम इन्हीं में से कुछ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की विस्तार से बात करने वाले हैं हमारा फोकस बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्सेस पर रहेगा हम इनकी हिस्ट्री इनके रोल्स और इनके कुछ अचीवमेंट्स की चर्चा करेंगे आइए शुरू करते हैं असम राइफल्स से असम राइफल्स दोस्तों असम राइफल्स की शुरुआत एटीन में कचार लेवी नाम की एक मिलिशिया के तौर पर हुई थी इस फोर्स का गठन मुख्य तौर पर ब्रिटिश टी एस्टेट्स और उनकी सेटलमेंट्स को ट्राइबल रेड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था आगे चलकर इन सभी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करते हुए इन्हें फ्रंटियर फोर्स नाम दिया गया क्योंकि इनके रोल में अब असैम के बॉर्डर्स के अक्रॉस प्यूनिटिव एक्सपेडिशंस कंडक्ट करना भी ऐड हो गया था इस फोर्स ने रीजन को एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के लिए ओपन करने में बड़ा योगदान दिया जिस वजह से समय के साथ इन्हें राइट आर्म ऑफ द सिविल एंड लेफ्ट आर्म ऑफ द मिलिट्री कहा जाने लगा वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने से ठीक पहले दरांग बटालियन को रेज किया गया इन्होंने ग्रेट वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के समय रेगुलर ब्रिटिश आर्मी के राइफल रेजिमेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट किया इनके योगदान को देखते हुए 1917 में फोर्स का नाम बदलकर असैम राइफल्स किया गया आज़ादी के बाद भी इनका रोल समय के साथ इवॉल्व होता रहा है 1962 के साइनो इंडिया वॉर के दौरान असाम राइफ़ल्स ने कन्वेंशनल कॉम्बैट रोल निभाया तो 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट बनकर फॉरेन लैंड में ऑपरेट किया इसके अलावा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में बढ़ते हुए ट्राइबल एंडरेस्ट और इंसर्जेंसी के बीच पीस कीपिंग का काम भी असाम राइफ़ल्स द्वारा किया जाता है आज के समय में ये फोर्स सबसे रिमोट और अंडर डिवेलप्ड एरियाज में डिप्लॉयड है और लोकल्स को सिक्योरिटी देने का काम करती है समय के साथ असम राइफल्स काफी ग्रो भी कर गई है 1960 में जहां इसमें 17 बटालियंस थीं वहीं आज इसके पास 46 सिक्स बटालियंस हैं इसके पास अपना खुद का ट्रेनिंग सेंटर और नंबर ऑफ लॉजिस्टिक्स यूनिट्स भी हैं ट्राइबल बेल्ट में इतने लंबे डिप्लॉयमेंट की वजह से असाम राइफल्स ने लोकल्स का कॉन्फिडेंस जीत लिया है और इस रीजन के लोगों को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने में काफी मदद की है असाम राइफल्स के जवानों की ह्यूमेन जस्ट एंड एवर हेल्पफुल अप्रोच ने सच में लोगों का दिल और दिमाग जीतने का काम किया है यही वजह है कि ये फोर्स फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का टाइटल अर्न करने में कामयाब रही है इसके साथ ही यह इंडिया की हाईएस्ट अवार्डेड एंड डेकोरेटेड पैरामिलिट्री फोर्स भी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आने वाली असैम राइफल्स आज कई तरह के रोल्स परफॉर्म करती है जैसे कि आर्मी के कंट्रोल में रहकर काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए इंटरनल सिक्योरिटी का प्रोविजन करना इसके अलावा इमरजेंसी के समय सिविलियंस के लिए एड का प्रोविजन और रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशंस मेडिकल असिस्टेंस और एजुकेशन के प्रोविजंस का रोल भी ये फोर्स निभाती है वॉर के समय जरूरत पड़ने पर इन्हें रेयर एरियाज को सिक्योर करने के लिए कॉम्बैट फोर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है 2002 से सरकार की वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी के तहत यह फोर्स इंडो म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करने का काम भी कर रही है असम राइफल्स एक्ट 2006 के तहत इसे स्टेच्यूटरी स्टेटस दिया गया है इसके साथ ही रूल्स 2010 में इनके पावर्स फंक्शंस रोल्स ऑपरेशन एटसेट्रा की भी बात की गई है आइए बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ देश की एक एलिट फोर्स की तरह मर्ज हुई है इन्होंने पाकिस्तान के साथ 1971 और कारगिल वॉर में डिस्टिंक्शन के साथ एक सेल किया बीएसएफ का मिशन है एनी टास्क एनी टाइम एनी वे इसके ऑफिसर्स और जवानों ने अपना खून पसीना देकर फोर्स के मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य को सार्थक किया है बीएसएफ की हिस्ट्री की बात करें तो 1965 तक पाकिस्तान के साथ इंडिया के बॉर्डर्स को स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन ही मैंड किया करती थी लेकिन 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने कच्छ में लोकेटेड सरदार पोस्ट छारबेट और बेरिया बेट पर अटैक कर दिया था इस अटैक ने आर्म्ड अग्रेशन से कोप करने में स्टेट आर्म्ड पुलिस की इनएडिक्वेसी को एक्सपोज कर दिया था जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशलाइज्ड सेंट्रली कंट्रोल्ड बीएसएफ की जरूरत महसूस हुई जिसे पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर मैन करने के लिए आर्म्ड और ट्रेन किया गया इसके बाद ही कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की रिकमेंडेशन के आधार पर 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है और श्री के एफ रुस्तम जी बीएसएफ के फर्स्ट चीफ और फाउंडिंग फादर बनते हैं अगर बीएसएफ के टास्क की बात करें तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है पीस टाइम टास्क एंड वॉर टाइम टास्क सबसे पहले पीस टाइम टास्क की बात करते हैं दोस्तों शांति के समय में बीएसएफ का काम बॉर्डर एरियाज में रह रहे लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करने का होता है इसके अलावा ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स इंडियन टेरिटरी में से अनऑथोराइज एंट्री और एग्जिट को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है बीएसएफ बॉर्डर पर स्मगलिंग और बाकी की इलीगल एक्टिविटी को रोकने का काम भी करती है अब बात करते हैं वॉ टाइम में इनके रोल की युद्ध के समय बीएसएफ लेस थ्रेटेड सेक्टर्स में ग्राउंड होल्ड करती है जब तक कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मेन अटैक डेवलप ना हो और लोकल सिचुएशन बीएसएफ की डीलिंग कैपेबिलिटी में रहे इसके साथ ही वाइटल इंस्टॉलेशन जैसे कि एयरफील्ड्स को एनिमी कमांडोज पैराट्रूपर्स या रेड्स से प्रोटेक्ट भी करती है मेन डिफेंस लाइन के फ्लैंक्स को एक्सटेंशन प्रोवाइड करने का टास्क भी बीएसएफ का होता है इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के ओवरऑल प्लान में रहते हुए दुश्मन के पैरामिलिट्री या इररेग्युलर फोर्सेस के अगेंस्ट लिमिटेड अग्रेसिव एक्शन भी बीएसएफ के टास्क का ही हिस्सा है बीएसएफ इंटेलिजेंस से जुड़े स्पेशल टास्क भी परफॉर्म करती है जिसमें रेड्स भी शामिल होती हैं वॉर की स्थिति में लोकल नेसेसिटी के आधार पर ये टास्क आर्मी के द्वारा बीएसएफ यूनिट्स को दिए जा सकते हैं एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में गाइड्स की तरह एक्ट करना भी इनके कार्यक्षेत्र में आता है आर्मी द्वारा कंट्रोल्ड एनिमी टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस भी बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इसके अलावा एस्कॉर्ट्स का प्रोविजन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को गार्ड करना रेफ्यूजीज को कंट्रोल करने में असिस्ट करना बीएसएफ के वॉर टाइम टास्क का हिस्सा है इस तरह हम कह सकते हैं कि देश को सुरक्षित रखने में बीएसएफ का अहम योगदान रहता है बीएसएफ के बाद आइए अब एक और बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स की ही तरफ चलते हैं और बात करते हैं इंडो टिबैटन बॉर्डर पुलिस की इंडो टिबैटन बॉर्डर पुलिस दोस्तों इंडो टिबैटन बॉर्डर पुलिस को 24 अक्टूबर 1962 को इंडो टिबैटन बॉर्डर के अलोंग सिक्योरिटी सेटअप और फ्रंटियर इंटेलिजेंस रीऑर्गेनाइज करने के लिए रेज किया गया था इसके बाद 1992 में पार्लियामेंट में आईटीबीपीएफ एक्ट इनैक्ट किया गया और उसके तहत रूल्स को 1994 में फ्रेम किया गया समय के साथ आईटीबीपी को बॉर्डर गार्डिंग काउंटर इंसर्जेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स जैसे अडिशनल टास्क भी दिए गए जिस वजह से आईटीबीपी की बटालियंस का नंबर धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आज आईटीबीपी के पास 56 सर्विस बटालियंस फोर स्पेशलिस्ट बटालियंस 17 ट्रेनिंग सेंटर्स और सेवन लॉजिस्टिक्स एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इनकी टोटल स्ट्रेंथ आज करीब 90,000 थाउजेंड पर्स तक पहुंच गई है 2004 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वन बॉर्डर वन फोर्स से रिलेटेड रिकमेंडेशंस के आधार पर इंडिया चाइना बॉर्डर का एंटायर स्ट्रेच बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी के लिए आईटीबीपी को असाइन कर दिया गया था यह स्ट्रेच 3488 थाउजेंड फोर लंबा है और इस तरह 2004 में आईटीबीपी ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम राइफ़ल्स को रिप्लेस कर दिया फोर्स का मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा यानी वैला डिटर्मिनेशन डिवोशन टू तो ड्यूटी आईटीबीपी के टास्क की बात करें तो इसमें नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर निगरानी रखना बॉर्डर वायलेशंस के डिटेक्शन और प्रिवेंशन के साथ लोकल पॉपुलर्स में सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रमोट करना आता है इसके साथ ही ये इलीगल इमिग्रेशन ट्रांसबोर्ड स्मगलिंग और क्राइम्स को भी प्रिवेंट करते हैं आईटीबीपी के टास्क में सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस बैंक्स और प्रोटेक्टेड पर्सनस को सिक्योरिटी देना भी शामिल किया गया है इसके अलावा ये डिस्टर्बेंस का कोई इवेंट होने पर ऑर्डर को रिस्टोर और प्रिजर्व करने का काम भी देखते हैं प्रेजेंटली आईटीबीपी जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स में इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करने का काम देख रही हैं यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के कारकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जेचापला तक बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी की ही है आईटीबीबी की बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट जिन रेंजेस में है उनका एल्टीट्यूड 9,000 फीट से 18,750 फीट तक वेरी करता है और यहां टेम्परेचर माइनस डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है आईटीबीपी बटालियंस नेशनल इंपॉर्टेंस की वेरियस इंस्टॉलेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम भी देखती हैं जैसे कि राष्ट्रपति भवन वाइस प्रेसिडेंट हाउस रूमटेक मॉनेस्ट्री सिक्किम तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली, लबासना उत्तराखंड और चंडीगढ़ पंजाब एंड जम्मू जेएनके में मौजूद वेरियस सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को यही नहीं आईटीबीबी के एलिट कमांडोज की एक वेल इक्विप्ड और हाईली ट्रेन्ड टीम अफगानिस्तान में भी डिप्लॉय की जाती है जहां ये काबुल में मौजूद इंडियन एम्बेसी और फो कॉन्सुलेट्स जनरल को सिक्योरिटी देने का काम करते हैं आईटीबीपी ने यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी अपना अहम योगदान दिया है फोर्स के जवानों को पीस कीपिंग ऑपरेशन्स के लिए अंगोला नमीबिया कैम्बोडिया एंड हर्जिगोवीना मोजैम्बीक और कोसोवो में डिप्लॉय किया जा चुका है 1981 से आईटीबीपी लगातार एनुअल कैलाश मानसरोवर यात्रा के पिलग्रिम्स को सिक्योरिटी कम्युनिकेशन और मेडिकल कवर देने का काम भी कर रही है हिमालयाज में नेचुरल डिजास्टर के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम भी आईटीबीपी ही देखती है इसने सेवन रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स भी इस्टैब्लिश किए हुए हैं और सभी डिजास्टर सिचुएशंस में अनेकों रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस कैरी कर चुकी है 2013 में ऐसी ही एक हिस्टोरिक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान आईटीबीपी ने करीब 33,000 पिलग्रिम्स को उत्तराखंड में चार धाम यात्रा रूट से 15 डे के रेस्क्यू एफर्ट के बाद सेव किया था आईटीबीपी रिमोट बॉर्डर और टेररिस्ट्स और नक्सल अफेक्टेड एरियाज में बड़ी संख्या में मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती है जिसके तहत फ्री एंड एक्सपर्ट मेडिकल हेल्थ एंड हाइजीन केयर रिमोट विलेजेस में रह रही सिविलियन पॉपुलेशन को प्रोवाइड की जाती है इतना ही नहीं दोस्तों आईटीबीपी हिमालयन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रेजर्वेशन से जुड़ी मूवमेंट की भी अगुवाई करती नजर आती है आईटीबीपी ने बड़े स्तर पर हिमालयन रीजन्स स्पेशली इनर हिमालय को हरा भरा रखने का टास्क लिया हुआ है इस तरह आईटीबीपी बहुत ही डाइवर्स फंक्शंस वाली फोर्स बन जाती है जो बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर एनवायरमेंट सिक्योरिटी जैसे काम भी देख रही है कंक्लूजन दोस्तों आज हमने तीन इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जाना ये तीनों फोर्सेस यानी कि एसएम राइफल्स बीएसएफ और आईटीबीपी कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं इन सभी की कर्तव्य निष्ठा और साहस का ही नतीजा है कि बॉर्डर एरियाज में रह रहे लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और देश का हर व्यक्ति रात को चैन की नींद सो पाता है इनके द्वारा बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और देश पर आने वाले हर खतरे का सामना साहस के साथ किया जाता है अंत में इन सभी फोर्सेस के वीर जवानों को हम शत शत नमन करते हैं स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल